ट्राइंग टू टेल मी कि तुम पहले कभी किसी अजनबी पार्टी में नहीं गए। या थिंक आई एम ऑब्वियसली गया बट ऐसी पार्टीज में वो सब अजनबी और मैं हम लोग एक ही क्लास के लोग थे, एक ही सोसाइटी से। मैंने कहा ना कि गुस्सा मत करना। ऐसी बात पे मैं गुस्सा करूंगी तालिब, क्योंकि गुस्सा करना बनता है। मैं तो सिर्फ देख रहा था। आप हमें नीचा दिखा रहे थे मिस्टर तालिब। एक्सक्यूज मी गौर। सॉरी मैं बट दैट्स नो वे टू टॉक टू अ लेडी। एक्सक्यूज मी आई थिंक मुझे और लोगों से भी पूछना चाहिए अपने नोवे होस्ट। श्योर गो अहेड। रब बिजनेस नहीं, एवरीथिंग हर तरह। Can I interrupt this conversation? Yeah, oh yes, please. आइए यार। ओह जेन आइए बैठिए। आइए 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 आइए। तालिब। Welcome, Sam. Khalid Hussain. How are you? Now, Deputy Income Tax Commissioner, retired. और ये बाकर कासमी साहब हैं हमारे। हर इनवाइट पे फर्क मेजबान का नाम होना और मेजबान का खुद मौजूद ना होना यकीनन एक बहुत अजीब बात थी। किसी को भी अपने मेजबान का पता नहीं था। किसी के लिए या तो वो उनके किसी दोस्त का दोस्त था या कोई ऐसा शख्स जिससे वो काफी देर से मिलना चाहते थे। बहुत से लोग इसे एक मजाक समझ रहे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस सबसे किसी को भी कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था।
जी, तो फिर आप सब लोग बताइए आप क्या करें। हम लोग, मेरा तो ख्याल है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमें पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए। अरे कम ऑन, आई एम सीरियस। अच्छा, मैं तो मालूम करना चाहता हूँ कि सब कुछ के पीछे है कौन। मैं जी, मेरा खासा वक्त बर्बाद हुआ है। सर, आप मजीद वक्त बर्बाद करना चाहते हैं? अगर ये मजाक था तो इसका अंजाम क्या हो? और मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जो इसके पीछे है। और अगर ये कुछ और था तो क्या मतलब है आपकी इस बात का? अरे छोड़ो, मैंने तो देखो, तुम कुछ ज्यादा क्या, मेरा मतलब कुछ ज्यादा मोहताज हो रहे हो और कुछ नहीं। दिस इज नॉट रियली गुड फॉर माई रेपुटेशन यू सी। वुड एनीवन केयर फॉर अनदर ड्रिंक? या थैंक यू। थैंक यू। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सब का मकसद है क्या। मुझे तो डर लग रहा है। डोंट वरी, डरने की क्या बात है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि अब यहाँ बैठने का और कोई फायदा नहीं है। आई थिंक इट्स रिडिकुलस। और मैं तो जा रहा हूँ। मैं भी, मेरा पहले ठीक है। चल लेते लेते गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे उम्मीद है कि आप सब आराम से, अगर नहीं तो प्लीज बैठ जाइए और रिलैक्स कीजिए। मुझे यकीन है कि आप सब हैरान होंगे कि आप यहाँ क्यों आए। मैं कुछ देर ठहरता हूँ, बाकी जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए। प्लीज सब बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। क्या मतलब, आप कौन? आप में से कोई भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो ये जान ले कि ये सब रिकॉर्डेड है। मैं यहां मौजूद नहीं हूं। ये सारी तैयारी आपके आने से पहले हो चुकी है। प्लीज आराम से बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए। और मुझे यकीन है कि आप मेरी बात सुनना चाहते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है, उनसे बेहतर बनाती है? हमारा जमीन, सही और गलत के दरमियान फर्क करने की सलाहियत। मेरे दोस्तों, आप सब सही और गलत को जानते हैं, मगर अपनी अपनी जिंदगी में आप सबने कभी ना कभी किसी ना किसी गलत चीज, किसी गलत फैसले को जरूर चुना है। आप सबने एक ऐसा जुर्म किया है जिसमें किसी मासूम और बेगुनाह इंसान की मौत हुई है, लेकिन उस मौत के जुर्म की सजा किसी को नहीं मिली, अभी तक नहीं। मैंने आप सबको बुलाया, सबको चुना और इनवाइट किया, क्योंकि आपको अपने अपने जुर्म की सजा मिलनी है। मैं यहां इस माशरे में, इस मुल्क में, इस दुनिया में इंसाफ होता देखना चाहता। मिस्टर खालिद हुसैन, डेप्यूटी कमिश्नर इनकम टैक्स, रिटायर्ड। आपको शायद याद हो कि आज से तकरीबन 15 साल पहले आपका एक सबॉर्डिनेट होता था, शायद सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर था, इस्माइल तारर। आपको पता चला कि उसका आपकी बीवी के साथ कोई चक्कर है, लव अफेयर। आपने उसकी पोस्टिंग एक दूर दराज इलाके में करवा दी और फिर किसी छोटे से शहर में वो लापता हो गया। शायद वहीं कहीं किसी नदी नाले में उसकी लाश भी गल सड़ गई। लेकिन इस केस की कोई तफ्तीश नहीं की गई, क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक सोर्सफुल इंसान हैं। डॉक्टर परवीन खान, आपको एक आदत, एक ऐसी आदत जो कि अब एक इल्लत बन चुकी है। आप एक शराबी खातून, आप अल्कोहलिक हैं, अल्कोहल डिपेंडेंट हैं। आपकी इस आदत का सबको इल्म है। आज से ठीक 8 साल पहले आपने अपनी इसी आदत से मजबूर होकर, नशे की हालत में धुत होकर, आपने एक सर्जरी परफॉर्म की, एक ऐसी सर्जरी जिसमें मरीज बच नहीं सका। एक मासूम और बेगुनाह शख्स आपके हाथों मारा गया और ये केस भी कभी मंजर आम पर नहीं।
बतूल अहमद, आप एक प्राइवेट ट्यूटर हैं, मगर इसके पीछे आपका मकसद कुछ और। आप चोरी करने की नीयत से लोगों के घरों में दाखिल होते हैं। शुरू शुरू में महज एक आदत थी, आपको क्लेप्टोमेनिया कहा जा सकता था, लेकिन अब आप एक पेशावर चोर हैं। 3 साल पहले आप मिस्टर जलाल जदून के लिए काम कर रही थी। वो एक बुरा आदमी था और उसने अपने पोते को पढ़ाने के लिए आपको रखा। वो दिल का मरीज था, उसको आपकी इस चोरी की आदत का पता चल गया। एक रात उसको आपकी मौजूदगी में दिल का दौरा पड़ा और आपने उसको ये सोचकर मरने दिया कि अगर वो बच गया तो वो आपको पकड़ सकता है। इसलिए आप भी एक कातिल हैं। सदाकत नाज़िरी, एक वकील होने की हैसियत से तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम सही मुजरिम को सजा दिलवाओ। 6 साल पहले जब तुम एक सरकारी वकील होते थे, तुम्हारे हिस्से में एक केस आया। तुम सच को, हक को जानते थे, लेकिन तुमने महज केस जीतने के जुनून में एक मासूम और बेगुनाह शख्स को मौत की सजा दिलवा दी। तुम्हारे हाथ उसके खून से रंगे हुए हैं। मिसेस फिरोजा फारूक, आपका केस बड़ा खास है। आप पर 2 जानों के कत्ल की जिम्मेदारी है, एक आपका शौहर और दूसरा आपका बेटा। 5 साल पहले आपका बेटा आपके और आपके शौहर के पास आया क्योंकि उसे आपकी मदद की शदीद जरूरत थी। उसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से एक लड़की बहुत बड़े मसले में घिर चुकी थी। उसने इन हालात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आपसे मदद मांगी, लेकिन आपने उसे सलील करके घर से निकाल दिया और उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। 3 साल पहले उसने अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। इस बात का शायद आपको तो कोई रंज नहीं हुआ, लेकिन आपके शौहर इस सदमे की ताब ना ला सके और मर गए। बाकर कास्म, तुम एक अमीर और ताकतवर इंसान। फैसलाबाद में तुम्हारी मिल्स, तुम समझते हो कि तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो। 3 साल पहले तुम गाड़ी चला रहे थे, रात बहुत हो चुकी थी और शायद तुम हल्के फुल्के नशे में भी थे। तुम्हारी गाड़ी से एक औरत टकराई और मर गई। बजाय इसके कि तुम गाड़ी रोकते और उसकी जिम्मेदारी लेते और उसकी मदद करते, तुम वहां से भाग गए और इस वाकये को हमेशा हमेशा के लिए भूल गए। दीपा अंसारी, तुम लोगों के घरों में मुलाजमत करती हो, या शायद सोफिस्टिकेटेड अल्फाज में इस जॉब को गवर्नर्स की जॉब कह सकते हैं। तुम एक अमीर आदमी के घर मुलाजिम थी और उसकी सबसे कीमती चीज यानी उसके बच्चों की जिम्मेदारी तुम पे थी। पिछले अक्टूबर तुमने उसके छोटे बेटे को तैरने की इजाजत दी और वो डूब गया। वो तुम्हारी जिम्मेदारी था, तुमने उसे मरने दिया। तुम एक मुजरिम हो। तालिब मिर्जा, अ प्ले बॉय एंड एन एडवेंचरर, तुम जब पार्टीज में अपना वक्त जाया नहीं कर रहे होते तो तुम पहाड़ों पे निकल जाते हो। हाल ही में तुमने एक मुहिम की और उस मुहिम पे तुम्हारा एक साथी बहुत बीमार पड़ गया। वो इतना बीमार था कि तुमने उसे चोटी पे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर वापस आ गए। लियाकत बुखारी, जी आप एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। मासूम लोगों की हिफाजत करना और मुजरिमों को गिरफ्तार करना तुम्हारी जिम्मेदारी हुआ करता था, मगर तुम नाकाम रहे। 10 साल पहले एक मासूम शख्स एक झूठे एनकाउंटर में तुम्हारी गोली का निशाना बना। तुम एक सस्पेंडेड ऑफिसर होने के अलावा एक कातिल भी हो। एंड इन द एंड द स्टार ऑफ द इवनिंग, गौहर कुरैशी। गौहर, तुम्हें बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था और बड़े होकर तुम एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बने। एक बहुत बड़े क्रिकेटर के तौर पे तुम उभरे और तुमने क्रिकेट के जरिए इतना पैसा और इतनी शोहरत कमाई जिसका तुम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में तुमने जुआ खेलना शुरू किया, मैच फिक्सिंग शुरू कर दी। और इसी मैच फिक्सिंग की वजह से पिछले साल एक जुआरी की मौत हो गया। So, ladies and gentlemen, ये थी आप सबके जराइम की लिस्ट।
आप सब लोग कानून की गिरफ्त से तो बच निकले, मगर मुझसे नहीं बचेंगे। एक एक करके आप सबको अपने अपने किए की सजा मिलेगी। जैसा जुर्म वैसी सजा।